हेलो गाइस, पहला क्वेश्चन ये था कि हम अपने बच्चों को एथलेटिक्स या कोई भी गेम है, जैसे जेवलिन एक इवेंट है, एथलेटिक्स के अंदर बहुत इवेंट है, अदर्स गेम्स बहुत हैं, तो उनके अंदर हम कैसे डालें। ओके, तो ये ऐसा है कि देखो, बिना एजुकेशन के आप गेम नहीं कर सकते हो। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मिनिमम 12th करनी पड़ेगी, 12th आपको करनी ही चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में और अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जैसे इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सब आएंगी। तो सपोज आप 7th 8th क्लास में हो और आपकी एज भी उस टाइम 14 15 साल है, तो उसमें आप कैसे, मैं बता रहा था कि हम कैसे चूज करें कि मैं जेवलिन थ्रोर बन सकता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस टाइम कोई एक गेम आप चूज मत करो। आपके स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि वॉलीबॉल के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, बास्केटबॉल के भी होते हैं, खो खो के होते हैं, एथलेटिक्स के 100 मीटर ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, 200 मीटर, जेवलिन, डिस्कस, हैमर, शॉटपुट, और ये सब होते हैं। तो आप हर चीज में अपना पार्टिसिपेट करो, ठीक है, वहां से आपकी शुरुआत होती है। इंक्लूडिंग आप कबड्डी भी खेल सकते हैं, क्रिकेट खेलो, आप कुछ भी खेलो, बट ये नहीं है कि क्रिकेट आप खेलते हो गांव लेवल पे। आप स्कूल में तो जो आपके पीटी डीपी ने जो भी आपको करवाया है, उसके अलावा आप घर पे आके जब देखूं तो शाम के टाइम पे आप गांव में क्रिकेट खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो। तो आप उस गेम को सिर्फ उस लेवल पर मत खेलो, जैसे क्रिकेट को हम गांव लेवल तक नहीं खेलना है हमें। इंडिविजुअल गेम थोड़ा या टीम वर्क गेम इसीलिए चूज करनी है हमें, आगे इवनिंग में भी उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। तो आप सबसे पहले, आप अगर स्कूल में 7th 8th 9th क्लास में हैं, तो जोनल्स कंपटीशन आते हैं, ठीक है। आप जोनल्स के अंदर आप एथलेटिक्स में 3 इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो पहले ओपन होता था, कितने के अंदर भी कर सकते हो आप, 5 6 7 ऐसे कर लेते हैं। तो आजकल 3 आ गए, 2 ट्रैक 1 फील्ड या 2 फील्ड 1 ट्रैक, ये कर सकते हैं आप। डेकैथलॉन इवेंट चूज कर सकते हैं, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप हेप्टाथलॉन चूज कर सकते हैं या अदर इवेंट कोई भी चूज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जोनल कंपटीशन खेलना है। सेम ऐसे ही अगर आप, ये गवर्नमेंट स्कूल की बता रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आपको सीबीएसई बोर्ड होते हैं, आईसीएसई बोर्ड होते हैं, ये बोर्ड्स में आपके कॉम्पिटिशन होते हैं, वो ईयरली होते हैं जैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपकी सिलेक्शन होती है जोनल कॉम्पिटिशन में। जोनल आप जब खेलने जाते हो तो पहले आप 3 में आते हो, तो पहले 3 फिर क्या करते हैं, अगले डिस्ट्रिक्ट के लिए उसी स्कूल के, जो आप मान लो आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट आ गए हो जोन के अंदर, देन आप यू आर सिलेक्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट, आप अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, जोन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट खेलोगे। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट हो तो देन आपकी सिलेक्शन आपकी स्टेट के लिए होगी, स्टेट से फिर आप जूनियर नेशनल खेलोगे। ये आपके स्कूल लेवल से कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूल नेशनल, सॉरी स्कूल नेशनल्स होती हैं। तो यहां से आप अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, जो स्टार्टिंग है। जेवलिन ही चूज करनी है, मैं आपको बोलूं कि एथलेटिक्स में कोई भी इवेंट चूज करने के लिए आपको हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको इंक्लूडिंग टीम गेम्स भी खेलनी चाहिए, जो बोली है मैंने, कबड्डी वगैरह ये सब खेलनी है, उनमें भी एक्टिविटी लगती है, ठीक है। जैसे एथलेटिक्स बोल लेते हैं, एथलेटिक्स मदर ऑफ ऑल गेम्स, राइट। तो जो बंदा एथलीट होगा वो हमेशा बहुत एक्टिव होगा, ऐसा नहीं है कि हमारे जो शॉट पुटर होते हैं, हैमर थ्रोर या डिस्कस थ्रोर, वो हैवी बॉडीज हैं, उनके अंदर एक्टिविटी नहीं होती। नो, उनके साथ आप जंपिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, स्प्रिंटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, उनकी स्प्रिंटिंग बहुत अच्छी मिलेगी। तो एक्टिव है, दैट्स व्हाई उनकी स्प्रिंटिंग अच्छी है, अगर एक्टिव नहीं होते तो स्प्रिंटिंग अच्छी नहीं मिल सकती। तो ये चीज है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि कॉलेजिएट कंपटीशन आ जाते हैं। ऐसे ही आप किसी कॉलेज में हो तो आप इंटर कॉलेज खेलते हो, इंटर यूनिवर्सिटी गेम खेलते हो। तो ये आपका बिगिनर्स के लिए कैसे स्टार्ट करें, वो एक प्लेटफॉर्म है,
तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।